हे फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कोई स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने ये स्लाइड इंसर्ट कर दी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करना है। स्मार्ट आर्ट में बहुत सारी लिस्ट दी गई आपको, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप, हायरार्की, मैट्रिक्स, पिरामिड। तो जो आपका प्रोजेक्ट है, जैसा आपका प्रोजेक्ट है या फिर जैसा आपको बनाना है, आप उस हिसाब से बना सकते हो। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ एक, तो आप कैसे कोई भी चूज़ कर लेना जो आपको चूज़ करना है। तो सिंपल है, तो जैसे मैं कोई चूज़ कर लेता हूँ इसमें से, जैसे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट वाला ही, तो ये आ गया। अब इसमें मैं दे देता हूँ ए, बी, सी, डी और ई। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि ये जो शेप है, क्या आपको शेप चेंज करना है। यहाँ पे दो फॉर्मेट खुल जाएंगे, एक डिज़ाइन फॉर्म और एक फॉर्मेट, ठीक है। क्या आपको ये चेंज करना है शेप, तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, रहेगा वही ए बी सी डी ई, मगर आपको बताएगा कि ऐसे कर सकते हो हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया। अब इसके अंदर मैं कलर भर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने ये कलर भर दिया, मैंने ये कलर भर दिया। तो कोई भी डिफरेंट कलर भर सकते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा आप भर सकते हैं। कलर के अंदर कलर है। अब ये वाला कलर आ गया, ये वाला कलर आ गया, ये वाला कलर आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको रिसेट कर सकता हूँ, ठीक है। रिसेट में ये क्या ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया चेंज कैसे, कलर कैसे चेंज होता है, लेआउट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आता है कि हमें अगर है ना इसको ये है एड शेप करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ए के ऊपर शेप आ जाए, तो बिफोर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ए के आफ्टर आ जाए शेप, तो मैं आफ्टर में ये क्लिक कर सकता हूँ। तो ये ऐसे होता है, ए के अगर आपको शेप ऐड करना है तो बी के पास जाओ, आफ्टर कर दो तो बी के नीचे आ जाएगा। बी के पास जाओ, अगर आपको बी के ऊपर शेप लाना है, शेप लाना मतलब अगर आपने कुछ मिस कर दिया, जैसे ए बी सी डी ई लिख रहा है, वैसे ही है ना, आपने कुछ लिखा होगा उसमें, जैसे आपने कोई इम्पोर्टेंस लिख रहे हो, कोई चैप्टर की इम्पोर्टेंस लिख रहे हो, तो चैप्टर में आपने कुछ मिस कर दिया, तो इस समय आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो आपको पूरा वापस से आपको बनाना पड़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ होती है। हम बुलेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर बुलेट ऐड हो गया, अगर आपको करना है तो बाकी करना, ठीक है। अब जैसे बी है, इसको मूव अप कर सकते हैं, ये बी ऊपर चला गया, अगर बी को वापस ले सकता हूँ मैं, तो ऐसा आप चेंज कर सकते हो, इसको और ऊपर ले सकते हैं, इसको नीचे ले सकता हूँ मैं, जैसा है वैसा। तो ऊपर नीचे लेने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है कि अगर मेरे को इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकता हूँ, ये सिंपल सा ए बी सी डी हो गया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आपको, आपने स्मार्ट ग्राफिक बनाया हुआ है, अगर आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा लिख दो टेक्स्ट कन्वर्ट, ठीक है। अब आपको अगर इसको कन्वर्ट करना है शेप में, ठीक है, शेप मतलब ये जो इंसर्ट में मैंने शेप वाला ट्यूटोरियल बनाया है, ये वाला, अगर आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू शेप। अब इसमें क्या हुआ, अब ये स्मार्ट आर्ट नहीं है, ये सिंपल सा शेप है, ये क्या है, सिंपल सा शेप। और यहाँ पे शेप का फॉर्मेट खुल गया, शेप में जैसे रंग देते हैं, वो करते हैं, सब वही के वही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो चीज़ होती है, मगर हमें शेप नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट आर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्ट करना है, अगर शेप में तो कर सकते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, रिसेट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और लेआउट और ये सब हो चुका है, मूव अप एंड डाउन और ये सब हो चुका है, ऐड कैसे करते हैं शेप, बुलेट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट रिमोट मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं फॉर्मेट पर आता हूँ, फॉर्मेट बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर लो, जैसे आपको कोई रंग देना है, जैसे मैं चाहता हूँ बी में मैं अलग रंग दे दूँ, ठीक है, बी में मैंने अलग रंग दे दिया। मैं इसको शेप में कुछ और फिल करना चाहता हूँ, तो फिल कर सकता हूँ, आप पर्टिकुलरली किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, जैसे सी है, सी को मैं शेप दे देता हूँ, शेप फिल कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो ऐसा आप किसी के साथ भी कर सकते हो, शेप की आउटलाइन दे सकते हैं, आउटलाइन जो इसके बाहर की जो आउटलाइन है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शेप को इफेक्ट दे सकते हैं, मैं शेडो इफेक्ट दे देता हूँ, बस करना क्या है, एक एक शेप चूज करो और उसको चेंजेस कर दो, बस।
यही तो कहना है, शेव कल कर दो, ठीक है। और करना क्या है, कुछ भी नहीं है, शेडो देनी है आप शेडो दे दो, ज़्यादा तो मैं शेडो ही यूज़ करता हूँ, बेस्ट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब क्या है, स्पेलिंग है, तो आपको क्या करना है, स्पेलिंग को सेलेक्ट करना है, ठीक है, वर्ड को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वर्ड आर्ट ले लेना, ठीक है। अब ऐसे ले सकता हूँ, अब मैं इस वर्ड में क्या कर सकता हूँ, मैं इस वर्ड में कोई और रंग कर सकता हूँ, इसकी आउटलाइन कर सकता हूँ, बहुत चीज़ें हैं इसमें, और इसमें रिफ्लेक्शन दे सकता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। वैसे मैं बी सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट में जाऊँगा, तो बी में ही ऐसे कर लिया, इसका अंदर, इसके बी के अंदर मैं कोई कलर कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी आउटलाइन दे सकता हूँ मैं, अगर मेरे को देनी है तो, इसका मैं इफेक्ट दे सकता हूँ, जैसे रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो इसका भी रिफ्लेक्शन, तो ये चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है छोटी सी चीज़ें। अब क्या कर सकते हैं, ये पूरा हो गया शेप स्टाइल वर्ड स्टाइल, अब मैं शेप कोई भी शेप ले लूँ, जैसे मेरे को डी को बड़ा करना है शेप, तो लार्ज कर दूंगा मैं इसको, ऐसे लार्ज कर सकता हूँ, इसको छोटा भी कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, देखा, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं इधर से भी हाइट चेंज कर सकता हूँ शेप की, इसको छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, हाइट में जैसा था वैसा कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस होते हैं। अब मैं इस डी वाले को उल्टा करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये देखा आपने, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये है, ये जो स्मार्ट आर्ट है, अब मैं इसको राइट और लेफ्ट में लाना चाहता हूँ, तो राइट लेफ्ट के लिए अलाइनमेंट चाहिए, राइट लेफ्ट ऊपर टॉप बॉटम मिड, मिड में लाना है तो मिड में सेंटर में लियो, ठीक है, अगर बॉटम में लाना है तो बॉटम में भी सेंटर में तो है ही है, राइट में लियो लेफ्ट में लियो, अब जैसा चाहता हो वैसा ला सकता हूँ, ठीक है ना, और इजी है, आप यूँ ही घुमा लो, ठीक है, सबसे इजी, ठीक है। तो ये होता है अलाइनमेंट करना, ठीक है, तो बाकी सब तो हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं शेप, सबसे अच्छा है स्टाइल है मेरे। अब जैसे मेरे को बी का चेंज करना है शेप, तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको लव का निशान दे सकता हूँ, ऐसे लव का निशान आ जाएगा, ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे इसमें, हम कोई भी चेंज कर सकते हैं शेप, जैसे मेरा प्रोजेक्ट मेरे को और अच्छा लुकआउट देना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन देनी है मुझे मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो कोई भी चेंज कर लो, ई को ले लो, ई में आप चेंजेस कर सकते हो, ई में जैसे ये कर सकते हो, मगर आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे ई में, तो करना मत, ई में ऐसे कर सकते हैं, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं, ये देखा थोड़ा सा आ गया ना, तो जैसा आप शेप देना चाहें कर सकते हैं, तो शेप की स्टाइल, अगर एक एक शेप की स्टाइल देनी है आपको, कलर करना है तो कर सकते हैं, एक एक वर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, एक 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 कोने को, एक एक की बात कर रहा हूँ, सबकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको मत छेड़ना, अगर अनग्रुप कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, वो शेप बन जाएगा, तो इसको छेड़ना मत, ठीक है, जैसा रहे वैसा रहने देना, ठीक है, तो पूरा हो चुका है डिज़ाइन में, हमने काफ़ी चीज़ें ले ली, कोई है नहीं ऐसा कि कुछ बच गया है इसमें, डिमोट कर सकते हैं, ये डिमोट में ऐसा हो जाएगा, जैसे मैं ये चूज़ करता हूँ तो डिमोट में ऐसा हो जाएगा, बी और सी मिल जाएंगे, अगर ए करूँगा, ठीक है, डी करूँगा डिमोट करूँगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ई करूँगा डिमोट करूँगा तो ए बी बी सी डी हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप कर सकते हो, तो ये होता है डिमोट, डिमोट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में क्या फंस जाता है ऐसे, इसको और भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको राइट कर सकता हूँ, ए को इधर ला सकता हूँ, डी है डी को इधर ला सकता हूँ, ठीक है, ई है ई को इधर ला सकते हैं, तो कैसे भी करके आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये होता है स्मार्ट आर्ट का तरीका, कोई भी स्मार्ट आर्ट लो, और यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट आर्ट हैं, कोई भी स्मार्ट आर्ट लो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, ऐसे नहीं,
और फिर आप डिज़ाइन में जाके प्रैक्टिस करो जो मैंने आपको बताया, ये लेआउट प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐड कर सकते हो शेप, ठीक है, फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हो शेप, लार्ज स्मॉलर, और एक एक को आप बदल सकते हो यहाँ पे जाके, और जो इनके अंदर लिखा हुआ है उनको भी चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो बड़ी छोटी। तो ये होता है स्मार्ट आर्ट, जो सबसे इजी है, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा करने में, इसको पहले प्रैक्टिस करना, तब आप पक्के हो जाओगे, फिर आप अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।